अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो भाइयों? दोस्तों, मैं आज आप लोगों को फ़ोटोशॉप के बारे में बताना चाहता हूँ। जो फ़ोटोशॉप में बहुत से भाई फ़ोटोशॉप जो इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें इंग्लिश तो लिख सकते हैं, लेकिन उर्दू या अरबिक लिखने में बहुत मुश्किल होता है दोस्तों को। तो आज मैं आप लोगों को ये फ़ोटोशॉप का तरीका बताना चाहता हूँ, फ़ोटोशॉप में कैसे आप लोग उर्दू लिख सकते हो या कैसे अरबी लिख सकते हो। तो ये जिन लोगों को ये प्रॉब्लम आते है, उसके लिए ये बहुत ज़रूरी है। वीडियो देखो तो आप लोगों को बहुत आसानी से समझ आ जाएगा। मसलन ये फ़ोटोशॉप को मैंने ओपन किया, तो इसमें अभी मैं जो कुछ भी लिखेगा तो वो इंग्लिश में तो लिख सकता है, लेकिन वो उर्दू में या अरबी में लिखना उसका मुश्किल हो जाता है। मसलन इधर मैं लिखना चाहता हूँ, कुछ भी लिखता हूँ तो अरबी में या इंग्लिश में, जो अरबी में तो लिखना, अभी मैंने इसमें सेटिंग किया है, तो अगर आप लोगों ने सेटिंग नहीं किया होगा तो ये आपको इंग्लिश लिख सकते हो पर, लेकिन अरबी आप लोग नहीं लिख सकते। अभी मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि मैंने कैसे सेटिंग किया है, तो आप लोगों को भी पता चल जाएगा। सबसे पहले आप फोटोशॉप ऐसा ओपन करो, एडिट पर आ जाओ। ये एडिट का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करो तो ये ग्रे कलर पे आता है, यानी इस पर कुछ नहीं होता क्योंकि आपने इधर टेक्स्ट का ऑप्शन सेलेक्ट किया है। तो इसके लिए आप ये नॉर्मल मोड पे आ जाओ, ये कर्सर सेलेक्ट करो या ये वाला सेलेक्ट करो, यानी वो टेक्स्ट का सिलेक्शन ख़त्म करो, तो फिर एडिट पे आ जाओ। तो अभी ये काम कर रहा है। तो सबसे नीचे आके जो जो प्रिपेयरनेस लिखा है उस पे आके टाइप पे क्लिक करो, ये टाइप का ऑप्शन इधर क्लिक करो। क्लिक करके तो ये वाला इधर, मुमकिन ये जर्नल सेलेक्ट हो या कोई भी ऐसा सिलेक्शन हो तो दूसरा कुछ आएगा, लेकिन आपने इधर भी टाइप पे क्लिक करना है, TYPE टाइप के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो इधर से आपको ये जो ये इधर होगा, ये ऑप्शन अभी मैंने इधर रखा है ना, तो ये इधर होता है, ये लातिन एंड ईस्ट एशियन लेआउट पे होता है, तो आपने वर्ल्ड रेडी लेआउट पे लेके आना है। इधर आके इसको ओके करो, ठीक है। फिर इधर सर्च में आके आपको इधर ढूंढना है ये सर्च पे आके इधर लिखो पैराग्राफ। इधर आपको कोई भी चीज़ अगर आपको फोटोशॉप में नहीं मिलेगा ना, तो आप लोग सर्च में उसको सर्च किया करो, क्योंकि आजकल ये फोटोशॉप में ऑप्शन बहुत ज़्यादा आ रहा है, लोगों को पता नहीं होता कौन सा चीज़ किधर लिखा है, किधर उसका ऑप्शन है। तो ये बहुत आसान तरीका है, आप ये पैराग्राफ में आ जाओ। देखो इधर आया पैराग्राफ पैनल, मैं आधा लिखा तो इधर पैराग्राफ पैनल आया, इस पर क्लिक करो तो ये इधर आ जाएगा। इधर ये आपको दो ऑप्शन इधर मिलेगा, पैराग्राफ पे क्लिक करके तो इधर जो ऊपर ये जो तीन चार लाइन है ना, इस पर क्लिक करो तो ये इधर होता है, जैसा पहले वाले ऑप्शन में मैं आपको आप लोगों को बताया, ये लातिन एंड ईस्ट एशियन लेआउट पे होता है ना, तो आपने इसको ये वर्ल्ड रेडी लेआउट पे क्लिक करना है। जैसा ये अभी चेक मार्क में इधर लगाया ना, ये पहले इधर था, देखो ये ऊपर था इधर, अभी मैं इधर करता हूँ, आप लोगों ने भी इधर ही करना है।
वर्ल्ड पे, जो वर्ल्ड का ऑप्शन है ना, इधर पे क्लिक, ये चेक मार्क इधर लगाना है, ये हो गया। उसके बाद ये कैरेक्टर पे आ जाओ, इधर आप लोगों ने कौन सा यानी लैंग्वेज सेलेक्ट करना है वो सेलेक्ट कर सकते हो। अरेबिक करो, मैं तो अरेबिक करेगा, तो आप अरेबिक पे क्लिक करो, तो हो गया। अभी आप जो कुछ भी लिखेगा उर्दू में, अरबी में, तो आप लिख सकते हो। देखो अभी आप लिख सकते हो, तो ये बहुत आसान तरीका है। बहुत से दोस्तों को ये बहुत मुश्किल होता है, तो ये अगर जब ये नहीं होता है ना, अगर आपने ये सेटिंग नहीं किया होता, तो ये ऐसे अलग अलग अल्फाज आते हैं, ये ऐसे आते हैं। तो ये सेटिंग करके आप लोगों को ये मसला हल हो जाएगा। मसलन ये जो जिन लोगों को उर्दू में या अरबी में कोई मुश्किल आता है ना, उसको ये हल हो जाएगा। ठीक है, सलाम अलैकुम।